गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक कदम सफलता की ओर में हमारा अगला टॉपिक है। हम लोग वोकैब पढ़ रहे हैं। वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। तो रूट वर्ड में हमने काफी वर्ड पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा अगला है वो लॉजी शब्द है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और कुछ अन्य वर्ड। लॉजी का मतलब अगर वाक्य के अंत में लॉजी हमको मिल जाए तो उसका मतलब होता है अध्ययन। जैसे ये देखिए, लॉजी 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 सब में लास्ट में लॉजी मिला है। इसका मतलब कि अध्ययन हमको, इस सब का सेंस जो निकलेगा वो अध्ययन के सेंस से निकलेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे आर्कियोलॉजी, तो ए पर्सन हु स्टडी, एक आदमी जो अध्ययन करता है, किसकी अध्ययन करता है, आर्कियो मतलब पुरातत्व विज्ञान, तो पुरातत्व विज्ञान पुरातत्व अध्ययन, अर्थात एक व्यक्ति जो पुराने अवशेषों का अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक, पुराने विषय मतलब पुरानी चीजों का अध्ययन करना जो होता है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है, और जो व्यक्ति अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आईएसटी, अगर IST लगा देंगे अंत में तो उसका मतलब व्यक्ति हो जाएगा, और अगर LOGY लगा देंगे तो उसका मतलब अध्ययन हो जाएगा। जैसे आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन, इसी तरह एंट्रोपोलॉजी, तो एंट्रोपोलॉजी का मतलब मानव विज्ञान, मानव विज्ञान या मानव का अध्ययन। फिर डर्मेटोलॉजी, तो देखिए डर्मेटोलॉजी मतलब क्या हुआ, डर्मिकूल आप देखते होंगे ना, शरीर के जो है, शरीर पे जो है डर्मिकूल पाउडर आता है, तो वही डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, त्वचा विज्ञान। फिर पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी मतलब क्या हुआ कि देखिए पैथोलॉजी होती है दवा जो रोग का अध्ययन होता है, तो पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। फिर देखिए न्यूरोलॉजी, तो न्यूरॉन्स का मतलब क्या होगा, हमारी तंत्रिका तंत्र जो है, न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका तंत्र जो है उसका जो अध्ययन होगा वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत होगा। क्या चीज, तंत्रिका तंत्र विज्ञान, तो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होगा वो हमारा तंत्रिका तंत्र विज्ञान इसके अंतर्गत आएगा। फिर आगे एग्रेस्ट्रोलॉजी, एग्रेस्ट्रो मतलब ग्रास, ग्रास से बना, ग्रास मतलब घास या तृण, तो एग्रेस्ट्रोलॉजी मतलब तृण विज्ञान, तृण विज्ञान। फिर आगे मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, मौसम का अध्ययन या फिर मौसम विज्ञान। फिर थियोलॉजी, थियो मतलब धर्म, कल भी मैंने बताया था, आज भी देखिए मिल गया, थियो मतलब धर्म, तो धर्म विज्ञान। फिर ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी देखिए, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कर्क रोग विशेषज्ञ या कर्क विज्ञान, कर्क विज्ञान, कर्क विज्ञान का मतलब होता है कैंसर की का जो अध्ययन किया जाता है, कैंसर के रोगों का अध्ययन जो किया जाता है, तो वो चीज है कर्क रोग, कर्क रोग विज्ञान। फिर इसी तरह रेनोलॉजी, रेनोलॉजी मतलब नासा से संबंधित है, तो नाक संबंधित विज्ञान या नासा विज्ञान, नासा विज्ञान, तो नासा ये नाक की बात हो रही, नहीं तो नासा ये वैज्ञानिक समझने लगे आप अमेरिका का, तो मुझे नहीं है। फिर आगे एथनोलॉजी, तो फिर देखिए एथनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, एथनो मतलब प्रजाति और एथनोलॉजी मतलब प्रजाति विज्ञान, प्रजाति विज्ञान। फिर आगे इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इटियोलॉजी मतलब कि रोग के कारणों का, क्या चीज, रोग के कारणों का अध्ययन। फिर आगे इक्टियोलॉजी, इक्टियोलॉजी मतलब होता है मछली, मत्स्य जिसको बोलते हैं, तो मत्स्य विज्ञान, मत्स्य, मत्स्य विज्ञान। फिर सिस्मोलॉजी, सिस्म अगर सिस्म शब्द मिल जाए तो जान लीजिए भूकंप से संबंधित है, तो सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। फिर जाइमोलॉजी, जाइमो यानी कि एंजाइम आपने सुना होगा, तो उसी से ये हमारा बना है जाइमोलॉजी, तो जाइमोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, एंजाइम,
एंजाइम विज्ञान। फिर आगे देखिए जीरेंटोलॉजी, तो हमने कल भी बताया था कि जीरोंटो, तो जीरोंटो का मतलब होता है वृद्ध और जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्ध विज्ञान, यानी कि वृद्ध विज्ञान। वृद्ध विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो वृद्ध वृद्ध के वृद्धावस्था में जो रोग होते हैं, वृद्धावस्था में जो रोग होता है, अगर इसको करना चाहे तो वृद्ध रोग विज्ञान भी कह सकते हैं। फिर एंडोक्राइनोलॉजी, तो देखिए एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है हार्मोन्स विज्ञान, हार्मोन्स का अध्ययन, हार्मोन्स का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हार्मोन्स का अध्ययन। फिर आगे लैरिंगो, लैरिंगोलॉजी, तो लैरिंग देखिए थॉट जो हमारे ये है ना गला जो है, तो गले से संबंधित है, तो लैरिंगोलॉजी मतलब गले से संबंधित चीजों का अध्ययन, गले से संबंधित चीजों का अध्ययन। फिर आगे देखिए नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, वही चीज हमारा नेफ्रॉन, ठीक, नेफ्रॉन मतलब किडनी, किडनी रोग का अध्ययन या किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। फिर ऑप्थाल्मोलॉजी, तो ऑप्थाल्मोलॉजी मतलब आंख से संबंधित है, तो ऑप्थाल्मोलॉजी मतलब नेत्र रोग विज्ञान, नेत्र रोग का अध्ययन। फिर एग्रोनॉमी, तो अब यहां पे हमारा एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का मतलब हो गया कृषि, एग्रीकल्चर से संबंधित है ना, तो एग्रोनॉमी मतलब कृषि विज्ञान। फिर डेमोग्राफी, तो डेमो मतलब होता है भीड़, जनता, तो डेमोग्राफी मतलब जनता का अध्ययन या फिर लोगों का अध्ययन, लोगों का अध्ययन, जिसको हम जननांकी कहते हैं, जननांकी मतलब लोगों का अध्ययन। फिर उसी के बाद जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिक का अध्ययन। फिर लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा, भाषा का अध्ययन जो होगा वो लिंग्विस्टिक्स होगा, भाषा का अध्ययन। फिर आगे देखिए न्यूमिसमेटिक्स, न्यूमिस मतलब नंबर से बना है, न्यूमिक, न्यूमिक नंबर, तो नंबर से बना है न्यूमिसमेटिक मतलब सिक्कों का अध्ययन या नंबर, सिक्कों का, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस मेटिक, स्टडी ऑफ क्वाइंस, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ क्वाइंस, तो इसमें बताना क्या होगा, न्यूमिस मेटिक। फिर आगे स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन, लिंग्विस्टिक्स, या फिर स्टडी ऑफ प्यूपिल्स, लोगों का अध्ययन, डेमोग्राफी। तो आगे देखिए काइरोपोडिस्ट, देखिए आई एस टी लगेगा, बताया था मैंने कि अगर आई एस टी लग जाएगा तो आई एस टी का मतलब हो जाएगा कि विशेषज्ञ, कोई किसी रोग के विशेषज्ञ में हम आई एस टी लगाते हैं, तो काइरोपोडिस्ट, काइरोपोडिस्ट मतलब होता है पैर, देखिए पोड मतलब पैर, तो पैर रोग विशेषज्ञ, पैर रोग विशेषज्ञ। फिर आर्थोपोडिस्ट, तो आर्थोपोडिस्ट देखिए, तो आर्थो मतलब क्या हो जाएगा, दांत, आर्थोडोंटिस्ट सुने होंगे आप लोग, तो वही चीज आर्थोपोडिस्ट मतलब दंत रोग, दंत रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। फिर आगे पेडियाट्रिस्ट, तो पेडियाट्रिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, पैर, पेडियाट्रिस्ट मतलब होता है बच्चों के, बच्चा रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ। फिर आगे एक्ज्यूम, एक्ज्यूम मतलब कब्र खोद कर निकालना, कोई चीज बहुत नीचे लगी हुई है उसको उजागर करना, तो वही एक्ज्यूम, यानी कि कब्र खोद कर निकालना, तो एक्ज्यूम, एक्ज्यूम करना मतलब कब्र खोद कर निकालना। एडजन, एडजन मतलब होता है स्थगित करना, द कोर्ट इन एडजन मतलब कोर्ट स्थगित की जाती है, तो वही एडजन मतलब स्थगित, स्थगित करना। फिर देखिए पॉली मतलब बहुत, पॉली अगर किसी के आगे जुड़ जाता है तो उसका मतलब बहुत, पॉली मतलब बहुत, और गैनी मतलब क्या होता है,
कि जिसकी बहुत सी गैरी मतलब पत्नी, तो जिसकी बहुत सी पत्नियां, जिसकी बहुत सी पत्नियां हो, जिसकी बहुत सी पत्नियां उसे पॉलीगैमी कहेंगे। उसी तरह पॉली एंड्री, एंड्री मतलब होता है मनुष्य या पुरुष, तो जिसके बहुत से पति हो, जिसके बहुत से पति उसे पॉली एंड्री कहते हैं। फिर आगे देखिए डॉयजर, डॉयजर मतलब होता है दस्तावेज, दस्तावेज डॉयजर मतलब होता है दस्तावेज। फिर कैटास्लिज्म, अभी मैंने बताया था स्लिज्म शब्द का मतलब कि भूकंप से संबंधित, तो कैटास्लिज्म का मतलब होता है प्रलय, प्रलय। उसी तरह आगे है ग्रे पॉइंट, और ग्रे पॉइंट का मतलब होता है अफवाह, ग्रे पॉइंट का मतलब होता है अफवाह। तो ये रही हमारी आज की सीरीज, लॉजी वर्ड और कुछ अन्य वर्ड हमको दिए गए हैं। ठीक, तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि कुछ लोग और भी आके जुड़े हमसे, ताकि हमारा हौसला बढ़े। ठीक, तो इसकी पीडीएफ जो है आपको द स्पीड अनुराग सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।